छपरा में शराब पीकर फिर से 3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई की तबीयत खराब है, जिनमें से एक की हालत नाजुक है, उसे पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के बाद कई लोगों को दिखना बंद हो गया है, हालांकि प्रशासन के डर से कई लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। स्कूल में आओने से अनिता दारू का जरे कहाँ से पी के आके फूल ओकरा बाद कहनी जे ही मेरा कहाँ से रोरा दारू मिल गई तो कहते रहे चुपचाप रहता रुकी ना हम कहने बाप रे 2 दिन से पेट झड़ल बा ऊपर से रोरा दारू कहाँ से जाके पी ले ली आ तो हम ठीक मानी है साझ के उनके हफनी हो गई लेके भगली छपरा का नाम बटे वहाँ के राम लगीना सिंह सदर अस्पताल में ले गए नुआ नीमो से इलाज हम उनकर पत्नी बानी सुबह में हम लोग थे घर पे हम लोग नहीं जानते थे और पापा का तबीयत खराब था थोड़ा बहुत तो मैं दवा खिलाई जबरदस्ती और बोले मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो पता नहीं उनको ये बेचैनी से होने लगा मैं पानी से नहाई और वो बोले मैं ठीक हूँ। उसके बाद शाम को जबरदस्ती ब्लॉक में ले गया गया वहाँ ऑक्सीजन लगा के रेफर कर दिया सदर अस्पताल में वहाँ पे ढंग से कोई इलाज नहीं किया फिर पता नहीं कौन सा राजीव शंकर वो कोई डॉक्टर है उनके पास लेकर गया रात के पी लें दारू पी लें दारू पी लें सुख कर दिन से मियाज गड़बड़ होकर लगा 10-11 बजे से वहाँ के रोशनी लागल गाय रात भर रहा घोड़े पर उंगड़ा के हॉस्पिटल ले गए कहाँ भर्ती बना अभी पटना में बना अभी क्या उनका दिक्कत हुआ अभी रोशनी अभी तो फोन ना आई ला बाकी अच्छा थोड़ा देह हो हिलावट तरह का नाम पड़ी उनका अखिलेश ठाकुर। तरैया थाना के नवरतनपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। जिनकी रोशनी गई है उनमें से एक की पहचान कर ली गई है, उनका नाम अखिलेश ठाकुर है। वहीं मृतकों में तरैया के नवरतनपुर गांव का दसाई शाह, बिक्की सिंह और चैनपुर के डॉक्टर नगीना सिंह शामिल है। परिजनों का आरोप है कि सभी ने शराब पी थी, जिसके बाद पहले उन लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, उसके बाद मौत का सिलसिला शुरू हो गया। सूचना मिला कि मतलब दारू पी के दारू पिए और ये लोग छापर ले गया ब्लॉक में आ गए महाराणा उसको वहाँ पे रेफर कर छपरा छपरा में जो भी वहाँ पे अथी हुआ शाम तक मतलब जो सुबह तक शाम रात में ठीक थे हम ठीक है उनसे पूछा गया तो उसके बाद ये बोले कि हाँ मतलब शाम को डॉक्टर बोला कि अभी इनको अंतिम स्थिति हो गया अभी नहीं रह पाएंगे। क्या हो रहा था जो उस टाइम में दारू जो पिए थे हाँ दम फूटने लगा रोशनी जाने लगा। अच्छा अच्छा जी आप कौन है? हम उनके मतलब मेरे मौसा लगते थे हमको में भयल मकुलपुर ले जाता कहा तो मैंने छपरा चाहे पटना ले जाइए है मकुलपुर जात जात प्राण को छूट गए फिर लेके अपन घर लेके आए लोग एक बाद हम अपन सब गांव के अपन मिल के दाह संस्कार पिए तले हाँ सर अभी तो उनकर पहले से रिकॉर्डिया बाय अब मौत कब भइल बा? 2 बजे भइल 3 बजे 3 बजे रात में। शराब कितना दिन से पिया था? अरे तो कितना दिन से सब दिन ऊपर बसी है हमन वो हमी का हाँ हाँ हम सब लोग का अब हमी का एकदम लगे नहीं थी हम सब बात कही हम नहीं पानी कही यहाँ पानी पर जा रहा हमन का लगत है और भतीजा हम कल के डेट में दारू पी के आए हुए थे तेज से हफ्ती हुई जैसे कि सांस फूलना दवा मैं ही लेके आने वाला हूँ यही लिख के डॉक्टर आर इंजीनियरिंग का नाम है MBBS डॉक्टर भी है ये दारू पीते हैं लेकिन 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा दारू पिए थे जिस कारण मेरे को भी बोले कि दारू हमको गलत मिल गया दवा लाए चो शाम को इनको अपना ब्लॉक लेके गए ब्लॉक वाले ने रेफर किया छपरा वहाँ पे इनकी आउट जब तबीयत ज़्यादा खराब हो गई जिस कारण ये मौत हो गई। इस क्षेत्र में कितने लोगों की मौत की सूचना मिल रही है अभी के डेट में? आज के डेट में जो मरे हैं उनके हिसाब से 5 लोग और हैं जो जहरीली शराब से एक तरैया से पी कर आए थे रात कर ठीक है रात को सारा पी कर आए थे एक भाई उसके शरीर में पूरा बेचैनी जैसे पूरा बेचैनी होने लगा बेचैनी और दम उम घुटने लगा पूरा शराब पीने के बाद और उल्टा सांस चलने लगा। मौत कब हुआ है?
लगभग 2-2.5 बजे के आसपास रात को। हालांकि पुलिस अभी इस मामले में बोलने से इनकार कर रही है। पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार करने की बात कह रही है। वहीं इस घटना से इलाके में फिलहाल दहशत का माहौल देखा जा रहा है। छपरा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।